आना जाना है तो कामत से तुम आओ जाओ, दर इजहार मुरव्वत से तुम आओ जाओ, किसी ने रोका है सरे राह है मोहब्बत तुमको, तुम्हें नफरत है तो नफरत से तुम आओ जाओ। जी हाँ, सियासत का दस्तूर भी कुछ यूं ही है, जहाँ रहनुमाओं का भी इजहार है मुरव्वत के साथ आना जाना लगा रहता है। पिछले दिनों हिंदुस्तान की सियासत में अपनी अलग धाक रखने वाले दो सियासतदानों ने अपना पाला बदल लिया, जिसके बाद अब एक बार फिर रेगिस्तान की गर्म हवाओं में जकड़े हुए सूबे की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। क्या सूबे की सियासत में भी विधानसभा चुनाव के जंग से पहले आओ और जाओ का खेला शुरू हो सकता है? इन बातों को इसलिए भी बल मिल गया है क्योंकि सूबे की सियासत में एक बार फिर भगदड़ मच सकती है। हालांकि सूबे के मुखिया ने फिलहाल भगदड़ से इनकार किया, लेकिन आगे की संभावनाओं से भी मना नहीं किया है। दरअसल पिछले एक सप्ताह में कांग्रेस के दो दिग्गज यानी पंजाब से सुनील जाखड़ और गुजरात से हार्दिक पटेल ने पार्टी को अलविदा कह दिया। ये दोनों ही दिग्गज गाहे बिगाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी कर चुके हैं। साथ ही कांग्रेस को टाटा कहने से पहले भी दोनों नेताओं ने अनदेखी का आरोप भी लगा दिया, जिसके बाद अब सूबे में सबकी निगाहें सचिन पायलट पर जा टिकी है। दरअसल बात यह है कि जब भी कोई अनदेखी की बात कहकर कांग्रेस से अपना नाता तोड़ता है तो 2 साल पहले बगावत कर चुके सूबे के पूर्व डिप्टी का नाम उछल जाता है। इसी बीच जब युवा नेताओं के भगदड़ को लेकर मुखिया जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहले तो कहा कि कोई भगदड़ नहीं मची हुई है, लेकिन फिर कहा कि आगे भी लोग जाएंगे, इक्का दिक्का लोग जाते हैं, पहले भी गए हैं, अब भी जाएंगे, लेकिन हम भाजपा और आरएसएस के लोगों को नहीं लेते। कोई भगदड़ नहीं मची हुई, इक्का दुक्का लोग तो जाते हैं, पहले भी गए हैं, अब भी जाएंगे, आगे भी जाएंगे, हम नहीं लेते हैं। आपको आप समझ नहीं पा रहे, लोग गुमराह करते हैं, मीडिया को दबाव में रखते हैं लोग, इसलिए मीडिया वाले खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस कभी बीजेपी के हार्ड कोर आरएसएस बीजेपी लोगों को लेती नहीं है, ये क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? हमारे लोग तो जाते हैं उधर, नई बात नहीं हुई है, अलग पार्टी बनाते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर है। इनकी पार्टी की जो विचारधारा है वो हमें सूट नहीं करती है। इक्का दुक्का आदमी आया होगा देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था या आरएसएस का था, इक्का दुक्का आया होगा शंकर सिंह वाघेला की तरह गुजरात के अंदर, बाकी इनको ले कौन रहा है? नाम लेंगे इन लोगों को। खैर, सूबे के मुखिया भले ही कह रहे हो कि आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन दूसरी ओर बार बार युवाओं को आगे लाने की हिमायत कर रहे सचिन पायलट भी अब आगे की रणनीति में जुट गए हैं। सोमवार से पायलट 1 सप्ताह सूबे के दौरे पर रहेंगे, लिहाजा ऐसे में कहा जा सकता है कि मिशन 2023 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। अब सवाल आने जाने की, तो ये तो सियासत का दस्तूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।